और ये हम जरूर अपील करते हैं सबके सामने कि जातीयता से काम नहीं चलता है, हिंदुस्तान सेकुलर राज है, इसलिए वो बैठक 19 को होने वाली है, उसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, ये जो बिखरे हुए हैं बिखरे रहे हैं। हम तो समझते हैं इज्जत अगर चाहते हैं तो बिहार में ही चुपचाप बने रहें बैठें, और वहाँ जा कर के और अपना नाम फिसड्डी करना चाहेंगे, बदनाम करना चाहेंगे तो उचित नहीं होगा। कांग्रेस अगर चुनाव हार गई है तो इसके लिए लोग सोचते हैं कि अब राहुल गांधी जी स्टेप डाउन कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे नीतीश जी हों, ये अपना ही शक्ल देख रहे हैं। बिहार में भी देखिएगा अचंभित करने वाला रिजल्ट होगा, यहाँ दो तिहाई बहुमत से 25 में सरकार बनेगी बिहार में, और 24 में 400 सीट पर हमारे NDA के लोग जीतेंगे। बनारस में जाएंगे कितने लोगों को प्रभावित करेंगे, यह स्पष्ट है कि कोई को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। NDA ही एक ऐसी पार्टी है, गठबंधन है, जहां सबों का सम्मान करती है। उसी प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जी चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं, चमका रहे हैं, जबकि बिहार में ही नारियों को अपमान कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को अपमान कर रहे हैं, और ऐसा आचरण कर रहे हैं कि समान व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करता वो आदमी। हम तो समझते हैं इज्जत अगर चाहते हैं तो बिहार में ही चुपचाप बने रहें बैठें, और वहाँ जा कर के और अपना नाम फिसड्डी करना चाहेंगे, बदनाम करना चाहेंगे तो उचित नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात कि बनारस में मीटिंग करके करेंगे क्या, NDA के लोग वो NDA के लोग परेशान नहीं हो रहा है, यदि वो अपना नाम को ही और बदनाम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। चुनाव लड़ने के गए थे तो कौन कह रहा था कि काले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई कहा था? लेकिन सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं, यहाँ सत्ता में हैं, और 400 वोट मिले कैंडिडेट को, सब जगह जमानत जब्त हो तो उसी ही है। बनारस में जाएंगे कितने लोगों को प्रभावित करेंगे, यह स्पष्ट है कि कोई को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। जाने को तो भाई जनतंत्र है, कहीं भी जा कर के भाषण दे सकते हैं या मीटिंग कर सकते हैं। गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है, क्या लगता है इस बार उनकी बैठक कुछ सकारात्मक नतीजे निकलेंगे? कोई सकारात्मक रिजल्ट आने वाला नहीं है। वो सवाल है, मेन है कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस अगर चुनाव हार गई है तो इसके लिए लोग सोचते हैं कि अब राहुल गांधी जी स्टेप डाउन कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है कांग्रेस के लोग, कांग्रेस लोग अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। अब इन लोग ऐसे हैं, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे नीतीश जी हों, ये अपना ही शक्ल देख रहे हैं, तो इसलिए वो बैठक 19 को होने वाली है, उसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, ये जो बिखरे हुए हैं बिखरे रहे हैं। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं JDU के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि किनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो माता सीता का अपमान किए थे। वो बात क्या है इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि NDA ही एक ऐसी पार्टी है, गठबंधन है, जहाँ सबों का सम्मान करती है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में दे दिए आदिवासी को, और यहाँ दे दिए यादव जी को, मोहन यादव जी को, इसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ होने वाला है, तो यहाँ सबका समावेश है, न कि बिहार में एक लठ पकड़े हुए हैं कि एक फलने मुख्यमंत्री होंगे, या वो लोग पकड़े हुए हैं कि हम हिंदुस्तान में फलने को प्रधानमंत्री बनावेंगे, ऐसा वो वहाँ नहीं है। तो इसी समय जो जनहित में निर्णय होता है, जनहित में लोग निर्णय करेंगे। क्या तेजस्व और लालू यादव के साथ जो यादवों का वोट बैंक है उसके पीछे NDA के लोग लग गए? अब लगे नहीं हैं, अपनी नीति है, उस नीति के अनुसार लोग काम कर रहे हैं, और ये हम जरूर अपील करते हैं सबके सामने कि जातीयता से काम नहीं चलता है, हिंदुस्तान सेकुलर राज है, और सब कोई एक समान है, सबको सत्ता में आने का, बने रहने का अधिकार है, जो योग्य है वो आएगा, अयोग्य है सो नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ जात के नाम पर, जिसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कोई वैसे पृष्ठभूमि नहीं है, वैसे लोगों को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाएगा? बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत कंसर्स हो गई है, अब ऐसा ये लोग निर्णय लेंगे, जो जैसे अन्य राज्यों में निर्णय हुआ, छत्तीसगढ़ में लोग कहता था कि कभी भी नहीं NDA की सरकार बनेगी, लेकिन बन गई। उसी प्रकार से बिहार में भी देखिएगा अचंभित करने वाला रिजल्ट होगा, यहाँ दो तिहाई बहुमत से 25 में सरकार बनेगी बिहार में, और 24 में 400 सीट पर
हमारे एनडीए के लोग जीतेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं। हम तो बार बार कहेंगे शराबबंदी है क्या, जो होम डिलीवरी हो रही है, जो विषैली शराब परोसी जा रही है, 20,000 से 25,000 करोड़ रुपया सालाना ख़त्म हो रहा है, और सोशल सेक्टर में गरीबों को पेंशन नहीं लोग दे रहे हैं, कर्मचारियों का वेतन नहीं दे रहे हैं, अनुबंध पर जितने हमारे भाई बहन हैं सब लोगों का नौकरी परमानेंट नहीं कर रहे हैं, उन लोग आकाश के तले घूम रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या कहा जा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साहब जो ये सब काम करेगा वही यहाँ सरकार बनाएगा, और इस संबंध में एनडीए के ही लोग आएगा तो चाहे शराब का मामला हो उस पर पुनर्विचार करेंगे हम लोग, और जहाँ तक और नियुक्ति का सवाल है, परमानेंट करने का सवाल है, चाहे शिक्षक का हो, चाहे संविदा पर काम करने वाले हों, सब पर हम लोग विचार करेंगे।